हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे सिर्फ एक्सेल की टॉपिक नहीं, आपके क्वेश्चंस भी अपलोड होते हैं। तो इंटरव्यू का हमारा 13वां क्वेश्चन है और 13वें क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कन्वर्टिंग काउंटिंग वैल्यू इन द रेंज, काउंटिंग वैल्यू इन द रेंज, कि आप वैल्यू को एक रेंज में काउंट करने के लिए क्या क्या फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूला जो कि काउंट करता है लेकिन सिर्फ नंबर टेक्स्ट को नहीं, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लैंक सेल को नहीं काउंट करेगा, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, 11 आ रहा है, अगर मैंने इसके अंदर पूजा कर दिया तो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ नंबर को, अगर मैं यहाँ नंबर डालूँ तो यू कैन सी है यहाँ पे नंबर टाइप कर रहा है, हमने क्या हुआ लगाया जस्ट काउंट का। उसके बाद दूसरा आता है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है बट ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। अभी 7 है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर डाल दिया तो काउंट, टेक्स्ट डाला तो काउंट, तो काउंट ए, इसको हम काउंट ऑल भी कहते हैं। दूसरा इसमें आता है हमारा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या होता है कि एक सिलेक्टेड एरिया में कितना ब्लैंक है वो काउंट करके देता है। ब्लैंक मतलब कुछ टाइप नहीं की गई है, ब्लैंक से, तो ये आपका आ गया 6 ब्लैंक से। अगर मैंने यहाँ पे किसी तरह का नंबर डाला तो काउंट बढ़ जाएगा ब्लैंक का, डिलीट किया मान लो उदय को डिलीट किया तो यहाँ पे हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो जो 3 आपने देखा, पहला देखा आपने काउंट, दूसरा देखा आपने काउंट ए और तीसरा आपने देखा काउंट ब्लैंक, ये तीनों जो होता है वो तो क्या होता है आपकी फिक्स कंडीशन पे होता है, इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो फिक्स है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि रेंज में से मुझे पूजा को काउंट करना है कि इसमें पूजा कितना बार आ रखा है, तो हमें काउंट इफ का इस्तेमाल करना होगा। हमने सिलेक्ट किया काउंट इफ, तो इसमें कैसे करना होता है काउंट इफ, काउंट इफ का फॉर्मा लगाइए, टैब मारिए, आ गया रेंज, कौन सा रेंज है आपका, हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया। अब क्राइटेरिया कि इसमें क्या ढूंढना चाहते हो, हमें यहाँ पे दे दिया पूजा, तो यहाँ पे पूजा आ गया, पूजा टू टाइम। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पूजा सिंह मैंने लिख दिया तो काउंट नहीं करेगा क्योंकि एग्जैक्ट मैच करता है। देखिए आप चाहते हैं पूजा सिंह भी करें तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्टार लगा देना है तो एक कंटेन हो जाता है। अगर आप एक तरफ स्टार लगाएंगे मतलब स्टार्टिंग में, तो इसको बोलते हैं एंड विथ पूजा, कि नाम पूजा से एन रखिए, पूजा से पहले कुछ भी, कुमारी पूजा, मिसिज पूजा, कुछ भी होगा कुछ चलेगा, बट पूजा खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं अगर स्टार्ट लास्ट में लगाता हूं तो ये हो जाता है स्टार्ट विथ पूजा। उसी तरह से मान लीजिए मुझे यहाँ 63 को काउंट करना है, तो आप यहाँ पे काउंट इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एरिया सेलेक्ट कर लिया आपने और यहाँ पे 63 ले लिया, तो यहाँ पे आपको 2 आ गया। लेकिन मुझे ग्रेटर देन 50 काउंट करना है, तो ग्रेटर देन 50 यहाँ पे लिखिए, काउंट आ जाएगा। इसी तरह से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और हो गया है कि यहाँ पे D22 लिखा हुआ है 3 डिजिट का, तो मुझे 3 डिजिट काउंट करने हैं, तो आपको काउंट इफ में बस 3 बार क्वेश्चन मार्क दे दीजिए और यहाँ आप काउंट इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन मार्क तो मतलब कि 3 डिजिट हुआ। अब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, जैसे कि पूजा यहाँ पे है, मान लीजिए कि पूजा इसमें कई बार है, पूजा यहाँ भी है, पूजा यहाँ भी है, पूजा यहाँ भी है और पूजा यहाँ भी है। अब इसके सामने दिल्ली है, यहाँ पे जैसे कि दिल्ली कर दिया हमने पहला पूजा, दूसरा पूजा नोएडा से है और तीसरा पूजा भी दिल्ली से है।
अब मुझे देखना है कितने पूजा दिल्ली से है, कितने पूजा दिल्ली से है। तो यहाँ एक से ज्यादा कंडीशंस है उसके लिए हम यहाँ काउंट इफ का फॉर्मूला, इफ सॉरी इफ्स का फॉर्मूला इस्तेमाल, मल्टीपल कंडीशंस के लिए। तो पहली क्राइटेरिया हमारा नेम है, और नेम में हमने यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट किया, पूजा को ले लिया। दूसरी क्राइटेरिया यहाँ है हमारा, दूसरी क्राइटेरिया हमने इसको सिलेक्ट किया और हम क्राइटेरिया यहाँ ले, यहाँ पे तीसरी चौथी भी कर सकते हैं, तो ये आपको काउंट करके दे देगा। ये था हमारा काउंटिंग वैल्यू इन रेंज। मुझे आशा है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर मेरा मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में चैट की फैसिलिटी है, तो मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, देखिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप मेरे प्ले स्टोर पे एक्सल एमआरएस ट्रेनिंग को सर्च करें, इसमें आईपीटी का लोगो होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो है डायरेक्ट जो है bips.classplusapp.com को लॉगिन कीजिए, वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स इसमें अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। उसके अलावा आप अगर चैट में जाएंगे तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मेरे ग्रुप में अगर ऐड हो जाते हैं तो आपको डेली बेसिस पे जॉब की जो है यहाँ पे दे सकते हैं आप, जॉब्स की डिटेल वगैरह और आपके क्वेश्चन वगैरह आपकी प्रॉब्लम वगैरह शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्टोर में आते हैं तो मेरे बहुत सारे सिक्वेंसली कोर्स मिलते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कोर्स करने के लिए, सिक्वेंस वीडियोस के लिए आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर लें और मेरा नंबर नोट कर लें, बीच प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते हैं।